बेहतर से बहुत बहुत मुबारक बधाई हो कि आप इतने शौक से जो है इस तो ये गेम है ताइक्वांडो इसको ये कुछ ही सालों से यहाँ पे चली है और ये सबसे बड़ा क्रेडिट जो है ये आपके ये कोच राजेंद्र सिंह को जा रहा है तो जो इनकी बहुत बड़ी मेहनत से ये पिछले दो साल में खाली फोर्ट सिटी कहते थी जून में इनकी आपकी पार्टिसिपेशन हो रही है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि और दो साल में ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे और इसका अच्छा कंपटीशन और पीछे जो मैं देख रहा हूँ दो तीन साल से हमारे जो यूटी पूरी इस यूटी के अंदर सबसे अच्छी पार्टिसिपेशन और अच्छे बच्चे जो है हमारे निचले लेवल तक जो है पार्टिसिपेट और पिछले साल कोविड की वजह से जो हमारा नेशनल नहीं हुआ तो इस साल भी कोशिश डिपार्टमेंट जो है कर रहा है अगर हालात साजगार रहे तो नेशनल ये बच्चे खेलने जाएंगे और मैक्सिमम स्टेट की तरफ से मुझे ये उम्मीद है कि हर इवेंट में हर ग्रुप में जो है हमारे बच्चे जो है मैक्सिमम पार्टिसिपेट करेंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट से तो इसी तरह बाकी इवेंट्स भी हम जो है करवा रहे हैं हमारा जो सक्सेस स्पोर्ट डिपार्टमेंट है इस वक्त सबसे बड़ा मिशन जो है यूथ को बीमारियों से मंशा से अलग रखते हुए ग्राउंड की तरफ जो है हर गेम में हम जो है इनको लाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो फील्ड स्टाफ है बड़ी मेहनत के साथ इस चीज़ को आगे ला रहा है और अपने यूथ को जो है एक जनरलाइज उनकी एनर्जी को उनको एक प्रॉपर वे जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ जो है देते हुए काम कर रहे हैं।
तो इस मौके पे मैं आप बच्चों को भी और इनके साथ जो टीचर आए हैं सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपने यहाँ आपने जो हो जो है वो अपना 100% देनी है परफॉर्मेंस जो आपने सीखा सर से एज ए शागिर्द उनके, तो मुझे उम्मीद है कि आज जो अपना जो आप 100% देंगे। मैं सबको ये बताता चलूँ कि राजेंद्र सिंह जी पिछले 2-3 साल से सबसे अधिक कोशिश कर रहे हैं, बहुत कम लोगों को पता हुआ कि हमारे लास्ट ईयर हमारे यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ था, यहाँ से बैले की टीम आई थी बहुत सारी और पूछ के आई थी जम्मू और जो जितने मलिक मजिस्ट्रेट हमारे जम्पाल करते हैं जी एम करते हैं सारे बच्चे यहाँ आए थे और एक अच्छा दृश्य हो पाता हमारा लास्ट ईयर। हालांकि कोविड था, कोविड की वजह से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा लग जाएगा, लेकिन उसमें बच्चों के रिस्पॉन्स ऐसा बड़ा था और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बाहर के लोग जो आए थे उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मेरे हिसाब से कोविड ना भी होता तो इससे ज़्यादा जो होता मतलब हमारा बच्चे जिसको जो होता वो ज़्यादा लोग आते हैं। फिर भी मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे लास्ट ईयर जो हमारा यहाँ पर हुआ था डिस्ट्रिक्ट हुआ था उसे खासकर दिल्ली से जो लोग आए हमें बड़ी देख खुशी हुई। पहलगाम पुलगाम प्रातः नगर के बच्चे जो लोग के सुबह मिलिटेंसी के कुछ नहीं करते थे और सुबह गोली पत्थर के वहाँ कुछ नहीं था और वहाँ से भी जो लास्ट जो हमारे से 8-10 12 टीमें आई थी जिस मेरे हिसाब से और 8-10 दिन हमने वहाँ नए नए बच्चे मिले नए नए लोग मिले हम और ऐसे ऐसे लोग मिले भी चाहते थे कि ये हमारा मुल्क ठीक हो और हम एक दफ़ा फिर जो हमारे बच्चे हैं वो मेन सिटी में आएँ। तो मुझे देखकर खासकर पहले के बच्चों बड़ी खुशी थी, जम्मू के बच्चे तो हमारे आर्मी जो है परसकून है, यहाँ पर तो कोई मिलिटेंसी नहीं है, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन वैली में ये डिस्ट्रिक्ट होने के बाद जो अगर 8-10 12 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं वो कोविड में आ सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर जब कोविड नहीं होगा। धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे ज्यादा अपने कोच राजेंद्र सिंह जी का। मैं समझता हूँ कि जब इन्होंने पहली दफा ताइक्वांडो का यहाँ पूंछ के अंदर स्टार्ट की थी तो शायद हमें भी उसका नाम नहीं पता था। मैं लोगों की तो बात नहीं कर रहा, जब इन्होंने हमें 2-3-4-5 दफा वहां पर बुलाया, जो इनका जोश और इनको काम करने की लगन हमने देखी वो हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा थी। लेकिन मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर भी यहाँ पर मौजूद है तो बड़े इनका सहयोग भी करते हैं, लेकिन जितनी हर्डल नौकरी के अंदर इनके लिए खड़ी की गई, लेकिन जो आदमी अपने मिशन के लिए लड़ता है ना, जो अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है उसके अंदर कोई बचा नहीं जाती। अगर गवर्नमेंट ने उनको ये जॉब दिया है कि आपने बच्चों को ट्रेन करके कुछ का नाम को रोशन कर रहे हैं, बच्चों को आगे ले जाना है, गोल्ड मेडल लाने हैं, जो लाए भी हैं वो इन्हीं की बदौलत लाए हैं, शायद कुछ में इस गेम का किसी को पता नहीं था, लेकिन जिस तरह से इनकी सर्विस के अंदर इनके लिए परेशानियां खड़ी की गई और बिना किसी की सहायता लिए हुए इन्होंने उस काम को किया, मैं इनको मुबारक हूँ और सबसे बड़ी मुबारक है वो आपके माँ बाप को है कि आप जो माँ बाप ने इनके ऊपर भरोसा रख के बच्चों को आगे भेजा और आप बच्चों ने भी हमारे पूंछ का नाम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर रोशन किया और इतने बड़े मैडम आए कि मैं समझता हूँ उससे हमारे पूरे पूंछ का जो सर है वो फकर से ऊंचा हो गया। मैं राजेश जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने दिल बड़ा करके इस हाल को इनको दिया है फ्री ऑफ कास्ट। मैं समझता हूँ इसी तरह से हम सबको इनकी जो सहायता हो गई जो हेल्प वो इसमें करनी चाहिए, हम इनके साथ हैं। मैं समझता हूँ ये बच्चे किसी के नहीं हमारे बच्चे हैं, इनको देखकर हम आज हमारे अंदर इतनी बड़ी खुशी हो रही है, मन खुशी से फूलता है कि जब अपने बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस फील्ड को मिशन को लेकर आगे जा रहे हैं, जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम सब आपके साथ शरण शरण खड़े रहेंगे। मैं स्पोर्ट्स अफसर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने पूंछ के अंदर बहुत बड़ी एक्टिविटी चलती है, पहले भी चलती है, लेकिन इनकी लगन और मेहनत को देखकर वीरेंद्र जी को भी जो हमारे जोनल अफसर हैं ये भी लगे हुए हैं, सारे अगर साथ लगेंगे तो मैं राजेंद्र जी को लगेगा कि मेरे बाजू है, मेरा तावन कर रहे हैं, ये भी और आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और आज जो इन्होंने कैंप रखा है इसके लिए हमारी कहीं भी झूठ पड़ेगी, हम सब शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बेहतर से बहुत बहुत मुबारक बधाई हो कि आप इतने शौक से जो है इस जो ये गेम है ताइक्वांडो इसको ये कुछ ही सालों से यहाँ पे चली है और ये सबसे बड़ा क्रेडिट जो है ये आपके ये कोच राजेंद्र सिंह को जा रहा है तो जो इनकी बहुत बड़ी मेहनत से ये पिछले दो साल में खाली फोर्ट सिटी कहते थी जून में इनकी आपकी पार्टिसिपेशन हो रही है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि और दो साल में ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे और इसका अच्छा कंपटीशन और पीछे जो मैं देख रहा हूँ दो तीन साल से हमारे जो यूटी पूरी इस यूटी के अंदर सबसे अच्छी पार्टिसिपेशन और अच्छे बच्चे जो है हमारे निचले लेवल तक जो है पिछले साल कोविड की वजह से जो हमारा नेशनल नहीं हुआ तो इस साल भी कोशिश डिपार्टमेंट जो है कर रहा है कि अगर हालात साजगार रहे तो नेशनल ये बच्चे खेलने जाएंगे और मैक्सिमम स्टेट की तरफ से मुझे ये उम्मीद है कि हर इवेंट में हर ग्रुप में जो है हमारे बच्चे जो है मैक्सिमम पार्टिसिपेट करेंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट से तो इसी तरह बाकी इवेंट्स भी हम जो है करवा रहे हैं हमारा जो यूथ सक्सेस स्पोर्ट डिपार्टमेंट है इस वक्त सबसे बड़ा मिशन जो है यूथ को बीमारियों से मंशा से अलग रखते हुए ग्राउंड की तरफ जो है हर गेम में हम जो है इनको लाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो फील्ड स्टाफ है बड़ी मेहनत के साथ इस चीज़ को आगे ला रहा है और अपने यूथ को जो है एक जनरलाइज उनकी एनर्जी को उनको एक प्रॉपर वे जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ जो है देते हुए काम कर रहे हैं तो इस मौके पर मैं आप बच्चों को भी और इनके साथ जो टीचर आए हैं सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपने यहाँ आपने जो हो जो है वो अपना 100% देनी है परफॉर्मेंस जो आपने सीखा है सर से एज ए शागिर्द उनके तो मुझे उम्मीद है कि आज जो अपना जो आप 100% देंगे। मैं सबको ये बताता चलूँ कि राजेंद्र सिंह जी पिछले दो तीन साल से हम सबसे जी कोशिश कर रहे हैं तो बहुत कम लोगों को पता हुआ कि हमारे लास्ट ईयर हमारे यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ था यहाँ से वैली की टीम आई थी बहुत सारी और पूछ के आई थी जम्मू और जो जितने मलिक मजिस्ट्रे हमारे जम्बा करते जी एम के एम करते हैं सारे बच्चे यहाँ आए थे और एक अच्छा दृश्य हो पाता हमारा लास्ट ईयर। हालांकि कोविड था कोविड की वजह से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा लग जाएगा लेकिन उसने बच्चों के रिस्पॉन्स ऐसा बड़ा था और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बाहर के लोग जो आए थे उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मेरे हिसाब से कोविड ना भी होता तो इससे ज़्यादा जो होता मतलब हमारा बच्चों जिसको जो होता वो ज़्यादा लोग आते फिर भी मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे लास्ट ईयर जो हमारा यहाँ पर हुआ था डिस्ट्रिक्ट हुआ था उसे खासकर दिल्ली से जो लोग आए हमें बड़ी देख खुशी हुई पहलगाम कुलगाम प्रातः श्रीनगर के बच्चे जो लोग के सुबह मिलिटेंसी के कुछ नहीं करते थे और सुबह गोली पत्थर के वहाँ कुछ नहीं था और वहाँ से भी जो लास्ट जो हमारे से 8-10-12 टीमें आई थी जिस दिन मेरे हिसाब से और 8-10 दिन हमने वहाँ नए नए बच्चे मिले नए नए लोग मिले हम और ऐसे ऐसे लोग मिले जो चाहते थे कि ये हमारा मुल्क ठीक हो और हम एक दफ़ा फिर जो हमारे बच्चे हैं वो मेन सिटी में आए तो मुझे देखकर खासकर वैली के बच्चों को बड़ी खुशी थी। जम्मू के बच्चे तो हमारे आर्मी जो है परसकून है यहाँ पर तो कोई मिलिटेंसी नहीं है कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं है लेकिन वैली में ये डिस्ट्रिक्ट होने के बाद जो अगर 8-10-12 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं वो कोविड में आ सकते हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर जब कोविड नहीं होगा। धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे ज्यादा अपने कोच राजेंद्र सिंह जी का
मैं समझता हूँ कि जब इन्होंने पहली दफा ताइक्वांडो का यहाँ पूंछ के अंदर स्टार्ट की थी तो शायद हमें भी उसका नाम नहीं पता था। मैं लोगों की तो बात नहीं कर, जब इन्होंने हमें 2-3-4-5 दफा वहां पर बुलाया, जो इनका जोश और इनको काम करने की लगन हमने देखी वो हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा थी। लेकिन मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर भी यहाँ पर मौजूद है तो बड़े उनका सहयोग भी करते हैं, लेकिन जितनी हर्डल नौकरी के अंदर इनके लिए खड़ी की गई, लेकिन जो आदमी अपने मिशन के लिए लड़ता है ना, जो अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है, उसके अंदर कोई बचा नहीं आती। अगर गवर्नमेंट ने उनको ये जॉब दिया है कि आपने बच्चों को ट्रेन करके कुछ का नाम को रोशन करना है, बच्चों को आगे ले जाना है, गोल्ड मेडल लाने हैं, जो लाए भी हैं वो इन्हीं की बदौलत लाए हैं, शायद कुछ में इस गेम का किसी को पता नहीं था। लेकिन जिस तरह से इनकी सर्विस के अंदर इनके लिए परेशानियां खड़ी की गई और बिना किसी की सहायता लिए हुए इन्होंने उस काम को किया, मैं इनको मुबारक हूँ और सबसे बड़ी मुबारक है वो आपके माँ बाप को है कि आप जो माँ बाप ने इनके ऊपर भरोसा रख के बच्चों को आगे भेजा और आप बच्चों ने भी हमारे पूंछ का नाम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर रोशन किया और इतने बड़े मैडम आए कि मैं समझता हूँ उससे हमारे पूरे पूंछ का जो सर है वो फकर से ऊंचा हो गया। मैं राजेश जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने दिल बड़ा करके इस हाल को इनको दिया है फ्री ऑफ कास्ट। मैं समझता हूँ इसी तरह से हम सबको इनकी जो सहायता हो गई जो हेल्प वो इसमें करनी चाहिए, हम इनके साथ हैं। मैं समझता हूँ ये बच्चे किसी के लिए हमारे बच्चे हैं, इनको देखकर हम आज हमारे अंदर इतनी बड़ी खुशी हो रही है, मन खुशी से फूलता है कि जब अपने बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस फील्ड को मिशन को लेकर आगे जा रहे हैं, जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम सब आपके साथ शरण शरण खड़े रहेंगे। मैं स्पोर्ट्स अफसर साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने पूंछ के अंदर बहुत बड़ी एक्टिविटी चलती है, पहले भी चलती है, लेकिन इनकी लगन और मेहनत को देखकर वीरेंद्र जी को भी जो हमारे जोनल अफसर हैं ये भी लगे हुए हैं, सारे अगर साथ लगेंगे तो मैं राजेंद्र जी को लगेगा कि मेरे बाजू है, मेरा तावन कर रहे हैं, ये भी और आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और आज जो इन्होंने कैंप रखा है इसके लिए हमारी कहीं भी झूठ पड़ेगी, हम सब शाना बिशाना आपके साथ खड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।